थायराइड, और ये ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत तेजी से लगातार बढ़ती जा रही हैं। एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है, और आज केवल ना केवल एलोपैथी बल्कि कोई और दूसरी ट्रीटमेंट नहीं है जहाँ पर इसका इलाज है। और अगर हम आज इन पे काम करें, इनके बारे में लोगों को बताएं कि वो कैसे आप इसे ठीक हो सकते हैं, तो आप बहुत सारे लोगों को क्या दे सकते हैं, हेल्थ दे सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आप देखिए, ये सबसे एक डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर लॉरेंस पॉली। कभी नाम सुना आपने इनका? दो बार नोबेल प्राइज मिला है इनको। नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज होता है, लोगों को एक बार नहीं मिलता लेकिन इनको दो बार मिला है। इसका मतलब ऑथेंटिक आदमी है, डॉक्टर है, और इन्होंने बताया है कि द ऑप्टिमम न्यूट्रिशन इज द मेडिसिन ऑफ द टुमारो। आज जो आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं ये आने वाले समय की मेडिसिन है। अगर आपने इसमें महारत हासिल कर ली, इसकी नॉलेज आपने ले ली, तो आप बहुत सारे लोगों को क्रॉनिकल डिसीज से बचा सकते हैं, आप बहुत सारे लोगों को क्रॉनिकल डिसीज ठीक कर सकते हैं। तो ये इसका मतलब, यदि कोई आदमी कह रहा है तो इसका मतलब वैल्यू तो है उसकी। अब इसके लिए आती है वेलनेस इंडस्ट्री। वेलनेस के बारे में कितने लोगों ने जाना सुना? क्या होता है वेलनेस? वेलनेस वेलनेस का मतलब होता है जहां पर आप हमेशा वेल रहें, ठीक रहें, फिट रहें। इसके लिए कोई दवा दारू की जरूरत नहीं है। एक डॉक्टर क्या चाहता है? एक डॉक्टर देखता है कि मेरे पास बीमार कोई भीड़ लग जाए, ऐसा ही होता है डॉक्टर का। बस सुबह वो सुबह से भगवान की पूजा करता है, हे ईश्वर आज ना पेशेंट ज्यादा से ज्यादा है। अब पेशेंट को बीमार क्यों सर है? नहीं है इसका मतलब वो ज्यादा सारे बीमार हो जाए, पूरा पूरा है ना शहरी बीमार हो जाए और सब मेरे यहाँ नहीं लगा जाए। लेकिन ये इंडस्ट्री जो है वो चाहती है कि बीमारी ना हो, लोग बीमार ही ना हो। इसके लिए क्या होता है, आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, और साथ साथ में अपने शरीर को वो सारे न्यूट्रिशन दें जिससे आपका शरीर इतना ताकतवर हो जाए कि आपको बीमारी लगे ही ना। क्यों सर है? नहीं, इंडिया के अंदर इसको बहुत तेज से काम हो रहा है। हमारी गवर्नमेंट लगातार वेलनेस सेंटर खोल रही है। अभी उत्तराखंड के अंदर मैं देख रहा था 2000 वेलनेस सेंटर खोले गए उत्तराखंड के अंदर। पूरे इंडिया में लगातार वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और वहाँ लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में बताया जा रहा है। अब बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा मोटे अनाज के ऊपर कितना काम हो रहा है, हो रहा है ना मोटे अनाज के ऊपर है श्री फूड बोलने लगे उसको, श्री फूड कि ये खाने से आप बीमारी से बचे। पहले कोई नहीं बात करता था इसका, सब गेहूँ खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं। गवर्नमेंट कह रही है भाई साहब गेहूँ चावल कम खाए, मोटे अनाज जो कि राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र में उत्तराखंड में अच्छी तरह से खाए जाया करते थे, लेकिन आजकल खाते नहीं, सब गेहूँ के पीछे पड़ गए, गेहूँ चावल के पीछे। क्यों जी? तो अब गवर्नमेंट ने को लगने लगाया कि अगर इंडिया को बीमारी से बचाना है तो हमें अपने लाइफ स्टाइल में अपने खाने में पुराने एक तरह का ही लाना पड़ेगा, उन्हीं चीज़ों को लाना पड़ेगा जिससे हम बीमारी से बच सकें। क्यों जी? ठीक है नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दो तरह की इंडस्ट्री है, एक है इलनेस इंडस्ट्री और एक है वेलनेस इंडस्ट्री। इलनेस इंडस्ट्री क्या होती है? जिसमें हॉस्पिटल डॉक्टर ये सब होते हैं, होते नहीं होते हैं, मेडिकल स्टोर्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ये सब चाहते हैं कि बीमार हमारे पास है। लेकिन एक इंडस्ट्री और सी है जहाँ पर लोग चाहते हैं बीमार ना हो, योगा मेडिटेशन स्पा और जिम और ऑर्गेनिक खाना, अगर आप ये खाएंगे तो आप बीमारी से बचे रहेंगे। क्यों सर है? नहीं है? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। WHO कहता है कि आज की डेट में केवल पूरे वर्ल्ड में 25% लोग बिल्कुल फिट है, कोई बीमारी नहीं है उनको, एकदम 25% केवल, और 5% लोग बीमार है जिनको बीमारी है, केवल 5% है। और इस 5% के ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी लॉबी जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है वो सब करोड़पति है अरबपति डॉक्टर, बड़े बड़े कंपनियां फार्मा कंपनियां वो सब इस 5% पे काम करती है। सारे डॉक्टर जितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं सब पैसे वाले हैं, नर्सिंग होम्स इतने सारे खुले हुए हैं, हॉस्पिटल्स पैथोलॉजी लैब सब 5% के ऊपर लगे हुए हैं। और एक ऐसे भी हैं जो कि सब हेल्दी हैं, यानी कि उनको बीमारी नहीं है, अभी हल्का हल्का सिम्टम्स हैं, हल्का डायबिटीज भी बढ़ गई, कभी बीपी बढ़ गया, ये सब वो लोग हैं। आज की डेट में पूरे इंडिया के अंदर $4.5 trillion की इंडस्ट्री है वेलनेस इंडस्ट्री, और आने वाले टाइम में ये 10 trillion भी होने वाली है नहीं कह रहे हैं के अंदर इतनी तेजी से लोग इसमें आते जा रहे हैं वेलनेस इंडस्ट्री में। और आज मैं आपको बताऊं तो मैं कम से कम 5 ऐसे डॉक्टर के कॉन्टेक्ट में हूं जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, MBBS MD MBBS MD MS वो
सब अपना एलोपैथिक छोड़कर न्यूट्रिशन में आए। और मैं आप मेरे आज जो बैठेंगे मैं दिखाऊंगा मेरे मोबाइल के अंदर उन सब ने अपना अच्छा अच्छा एक वेलनेस सेंटर खोल लिया और बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। उन्हें पता लग चुका है यार ये एलोपैथिक में लोग ठीक नहीं होंगे, क्यों जी नहीं होंगे ना। एक डॉक्टर क्या करता है आप, मैं हैरान होता हूँ, डॉक्टर कहता है यार आजकल पेशेंट नहीं आ रहे। कई बार क्योंकि हम डॉक्टर से हमारा काम होता है, मैंने डॉक्टर साहब पेशेंट यार कहाँ है, पेशेंट ही नहीं है, बताने सर्दी बहुत हो रही है, पेशेंट आने बंद हो गए। डॉक्टर आपके गांव में या शहर में कितने लोगों को डायबिटीज है? बोला सर बहुत सारे लोगों है। बीपी कितने लोगों को है? बहुत सारे लोगों को है। एस्थमा कितने लोगों को है? बहुत सारे। तो वो तो सारे पेशेंट ही तो हैं, बस आपके पास नहीं आ रहे। आप इंतजार कर रहे हैं किसका? नजला जुकाम खांसी बुखार उनका इंतजार कर रहे हो। क्रॉनिकल डिजीज तो काम ही नहीं कर रहे आप। अगर आप क्रॉनिकल डिजीज पर फोकस करें तो आपको पेशेंट कभी थोड़ी है। अभी आप देखो आसपास एक ऐड डालोगे पता लगा हजारों लाखों लोगों को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, एस्थमा है। क्या हमने अपने बोर्ड पे लिखा है कि भाई मैं इनको ठीक करता हूँ, या अगर इनकी प्रॉब्लम किसी को तो है तो मैं उसको उसका सोल्यूशन दे सकता हूँ? क्योंकि हम उस पर काम ही नहीं कर रहे। तो दोस्तों ये वो इंडस्ट्री है जो जहाँ आपके पास क्लाइंट की कमी नहीं है, बस केवल आपको बनना होगा उस चीज़ का, आपको सीखना होगा जिससे आप उन प्रॉब्लम को ठीक कर सकते। अब कोई आगे घूमता फिरता आपके पास कि सर मेरे को डायबिटीज है, आप बोला ठीक है, अरे एक तो बंदा आ गया, मैं तो करता नहीं, मैं तो रजा जुकाम ढूंढना हूँ, डायबिटीज वाला भी आ गया। सर मैक्सिमम डॉक्टर इन क्रॉनिक डिजीज पर काम नहीं करते, नहीं करते सर। वो तो ढूंढ रहे हैं ऐसे पेशेंटों को जो नजला जुकाम खांसी बुखार या छोटे मोटे चीज़ों के आता है, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन भूले भिगड़े से आ गया दवा दे दी उसको, और एक बार दवा देने के बाद दोबारा आता ही नहीं, क्योंकि उसने एक बार गोली दे दी ये खाएगा और जिंदगी बनी रहेगा, ठीक तो होने का नहीं। ऐसे बोलते हो डॉक्टर, ऐसे बोलता है और उसको एक दवा दे दी और ये खाना ये नहीं खाना, फिर तुम्हारे पास नहीं जाने का। लेकिन यदि आप उसको सप्लीमेंट देंगे कि भाई इससे लगातार खा, इसे तो फिट रहेगा और आने वाले समय में तेरी और प्रॉब्लम भी नहीं होंगी, वो लगातार आपके पास आएगा नहीं आएगा लेने के लिए, बस हमें बताना तो पड़ेगा ना लोगों को। चलिए ये 8 लाख कंपनी है जो वेलनेस इंडस्ट्री में काम करती है, और वेलनेस का जो कैरियर है जो फ्यूचर है वो बहुत बड़ा, इतना बड़ा फ्यूचर है कि यहाँ से आप करोड़पति बन सकते हैं, यहाँ से आप लोगों को जो है ना लाइफ चेंज कर सकते हैं। 26 कंट्री में काम करती है और 24 साल से लगातार वर्ल्ड क्लास कंपनी काम कर रही है। 24 साल का एक्सपीरियंस है वेलनेस इंडस्ट्री का, तो 24 साल बहुत होते हैं सर। जिस कंपनी को 24 साल का एक्सपीरियंस है और वो प्रोडक्ट बनाती है, बनवाती नहीं है खुद बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो इसका मतलब एक लंबा एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट का भी और बिजनेस का भी। चलिए आगे चलते हैं। हमारा मिशन है कि लोगों को हेल्दी फैमिली, फैमिली यानी कि लोगों की लाइफ को जो फैमिलीज हैं वो हेल्दी बने और वेल्दी बने, इसी मिशन के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। लगातार मेरा फोकस है कि लोगों को हेल्थ और वेल्थ